हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़द की दाल की खिचड़ी। इसके लिए हमने आधी कटोरी काली वाली उड़द की दाल ली थी, एक कटोरी चावल लिए थे। इन दोनों को मिलाकर एक घंटा पहले पानी में भिगो दिया था, उसके बाद उसका पानी हटा दिया, अलग कर दिया। एक गाजर कटी हुई, एक टमाटर कटा हुआ, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक हरी मिर्च कटी हुई, एक प्याज कटी हुई, एक पिंच एक चुटकी हींग, दो चम्मच घी, एक चम्मच नमक या स्वादुसार नमक, एक चम्मच जीरा, चार लौंग, दो साबुत लाल मिर्च, दो तेज पत्ता। अभी सबसे पहले कुकर में घी डाल देंगे। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, इसमें हींग डाल देंगे, तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च, लौंग, जीरा, अदरक लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च, प्याज। सभी चीजें अच्छे से भुन गई हैं। इसमें गाजर टमाटर चावल और दाल डाल देंगे। चावल और दाल डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। एक से दो मिनट इनको भूनेंगे। एक से दो मिनट हमने चावल और दाल को भून लिया है। इसमें पानी डालेंगे, दो कप पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि हमारे चावल दाल अच्छे से डूब जाए। एक कप चावल, आधा कप दाल, तो हमने दो कप पानी डाला है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर दो सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। दो सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर हमने खिचड़ी को पका लिया है। गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, खिचड़ी को सर्व करते हैं। उड़द दाल की खिचड़ी बन करके तैयार है। बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप दही, मक्खन, अचार और सलाद के साथ खाइए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे बनाइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।